नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे ही आप बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते होंगे तो आपका स्वागत मैथिली भाषा में होता तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एयरपोर्ट में घुसते ही या तो आपका स्वागत आमतौर पर अंग्रेजी या हिंदी में किया जाता होगा, लेकिन अब आप अगर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहां भी आपको मैथिली सुनने को मिलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, दरभंगा एयरपोर्ट से उद्घोषणा मैथिली भाषा में शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, ये कारनामा करते हुए दरभंगा एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां स्थानीय भाषा में उद्घोषणा का यानी कि अनाउंसमेंट का काम किया गया है। साफ है कि अब तक एयरपोर्ट पर यात्रियों को जो जानकारी पहले हिंदी या अंग्रेजी में दी जाती थी, अब मैथिली में भी दी जाने लगी है। इसकी शुरुआत इसी सोमवार से हुई है। इस नई पहल से मिथिला वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, लोगों ने तो सरकार की इस नई पहल का स्वागत भी किया। स्थानीय भाषा को तवज्जो देने की मांग स्थानीय स्तर पर काफी दिनों से की जाती रही थी। सोमवार को दरभंगा पर पहुंचे यात्रियों ने मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट सुनकर खुशी तो जताई ही और कहा कि काफी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर मैथिली भाषा में उद्घोषणा शुरू होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने तो ये तक कहा कि मैथिली बिहार की एकमात्र संवैधानिक भाषा है, ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर भी इस भाषा में उद्घोषणा होनी चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में मैथिल भाषा वाले वहां से भी आवाजाही करते हैं। इसके साथ ही इस दौरान कुछ लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ाए जाने की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि उड़ान योजना के तहत देश में अव्वल रहा दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं का घोर अभाव है। पैसे देने के बावजूद यात्रियों को बेहतर सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों बेंगलुरु की फ्लाइट में क्षतिग्रस्त सीट को लेकर काफी हंगामा हुआ था। लाख दावों के बाद भी अब तक एयरपोर्ट का सड़क से सीधा संपर्क तक नहीं हो पाया था, जिसके कारण यात्रियों को इस कड़ी धूप में काफी चलकर टर्मिनल तक पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि इन सबके बीच केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई भी मिल रही है। साथ ही दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तो नरेंद्र मोदी की सरकार को इसके लिए धन्यवाद कह दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर जैसे ही मैथिली भाषा की गूंज सुनाई दी, वैसे ही चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर मणिकांत झा समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस सूचना को शेयर किया। वहीं इसके साथ ही जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। ये हिंद आर्य परिवार के सदस्य और मगधी परिवार की भाषा है। इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके शब्द तत्सम और तद्भव रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं। ये भाषा बोलने और सुनने में बहुत ही मोहक लगती है। मैथिली भारत में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर जिलों में बोली जाती है। बिहार के लोगों का वैसे ही उनकी भाषाओं से खास लगाव होता है। ऐसे में किसी सार्वजनिक पटल पर स्थानीय भाषा को महत्ता मिले तो गौरवान्वित महसूस करना लाजमी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप दरभंगा एयरपोर्ट पर शुरू हुए इस नए पहल पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।